नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 8 इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। 28 मई रात 9 बजे इलाका शाहबाद डेयरी का, जबकि एक लड़की की, एक नाबालिग लड़की की इंसान की शक्ल में एक हैवान ने चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी और उसके बाद से ही पूरी दिल्ली सन्न है और पूरा देश सन्न है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या इंसानियत हर वार के साथ मरती चली जा रही थी? हर चाकू का वार भले ही मृतका के शरीर पर लग रहा हो, लेकिन क्या इंसानियत हर वार के साथ दम तोड़ती जा रही थी? इस बड़े सवाल के साथ आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है शाहबाद डेयरी के उसी इलाके में जहां पर मृतका का घर है और ये सामने अगर आप देख पा रहे हो तो दरवाजे को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार भीड़ आती देखकर एक के बाद एक लोग जिस तरीके से मृतका के परिवार से मिलने आ रहे हैं, साफ तौर पर माता उनकी जो है वो जवाब देते थे बेहोश हो गई है। जाहिर तौर पर यहां पर थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है और यही वजह है कि हम घर के बाहर से इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको तमाम खबर दिखा रहे हैं। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है क्योंकि संवेदनशील ये मामला है, ऐसे में माहौल न खराब हो। लेकिन क्योंकि इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है और बड़ी अपडेट इस वक्त ये बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी के वक्त साहिल के हाथ में जिस तरीके से कलावा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी, इस पर एक जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि पूछताछ के दौरान साहिल ने ये बताया है कि जो कलावा है वो एक पीर बाबा ने उसे दिया था और रुद्राक्ष की जो माला है वो जब हरिद्वार गया था तो उसने वहां पर खरीदा था। लेकिन जिस तरीके से कलावा और रुद्राक्ष उसके शरीर पर पाया गया है, जाहिर तौर पर अब इसमें लव जिहाद का एंगल भी देखने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी लगातार जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती रही हो। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे बवाना थाने के बाहर से जुड़ गए हैं। अमित, लव जिहाद का जो एंगल है उस पर अब कहीं ना कहीं पुलिस जोर दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, और इसीलिए गहनता से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब सबसे अहम चीज है कि हथियार कहां से मिले हैं, उन हथियारों के सोर्स का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें यहां पर काम कर रही हैं। आप देखिए तस्वीरों में पीछे साइबर थाना की जो पुलिस है वो भी यहां पर तफ्तीश में लग गई है। 6 से ज्यादा जो टीमें हैं दिल्ली पुलिस की अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रही हैं। पहली चीज हथियार है, दूसरी चीज कौन कौन लोग साथ थे, तीसरी चीज किन किन मोबाइल से कैसे उस आरोपी ने लोगों से बात किया था, क्योंकि मोबाइल तो बरामद हो चुका है, सिम कार्ड अभी तक नहीं मिला है। तो सिम कार्ड में किस के नाम से रजिस्टर था, किन किन लोगों से संपर्क था, कई एंगल हैं। पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है और इसीलिए 2 दिन की रिमांड यहां पर मांगी गई है और जब परसों एक बार फिर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि पुख्ता उसके पास दलील हो और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक की जो प्राथमिक जो जांच है उसमें पुलिस की ये निकला है कि आरोपी जो है वो मृतका को बुरी तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन में और ऐसे कितनी चीजें हैं जो अभी निकलकर सामने आएंगी ये भी देखना होगा। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन रुद्राक्ष और साथ ही कलावा, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, एंगल देता है लव जिहाद का, और लव जिहाद का कनेक्शन एक बार फिर से एक और केस में हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। इसको लेकर आपको याद होगा कल भी बयानबाजी शुरू हो चुकी थी, विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी कहा गया कि हिंदुस्तान की एक और बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। लेकिन पुलिस की ओर से भी ये कह दिया गया है कि हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है जिसमें लव जिहाद का एंगल भी शामिल है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन पुख्ता तौर पर की जाएगी, ये पुलिस ने दावा किया है। लव जिहाद की आड़ में दिल्ली में दरिंदगी। जो लव जिहाद की बीमारियां शुरू हो गई हैं और उसके अंदर कत्लेआम किया जा रहा है, शरेआम मारा जा रहा है। पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से दोस्ती। रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंप दिखाता कि मैं हिंदू हूँ पर वो हिंदू नहीं है। प्रेम जाल में फंसाकर हैवानियत की हद पार। पहचान बदल के, रूप बदल के और लड़कियों को अपने झांसे में लेना और फिर प्रेम के जाल में उलझाना और फिर उनकी नृशंस हत्या कर देना। कलावा का छलावा और लव जिहाद की साजिश। सारे जो है प्रूफ के सारे तरीके, सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद संकी साहिल गिरफ्तार हुआ तो दिल्ली पूछती रही कि उसने लड़की को क्यों मारा, किस मकसद से मारा और उसकी सनक के पीछे क्या इरादा था। साहिल, आपने मर्डर किया, क्या मामला है? साहिल बोलो, क्यों मारा है? लेकिन हर सवाल पर वो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला,
एक आवाज नहीं निकली उसके गले से, लेकिन बुलंदशहर में गिरफ्तारी के दौरान जो तस्वीरें आई हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आम दिखने वाले साहिल ने दाहिने हाथ में कलावा पहन रखा था, लेकिन खुद को हिंदू लड़के की तरह पेश करने का ये इकलौता सबूत नहीं है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से उसकी एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। बताया गया कि साहिल की तस्वीर 10 महीने पुरानी थी। 10 महीने पहले भी वो लड़की के संपर्क में था, क्योंकि पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें दावा किया गया है कि साहिल लड़की को काफी पहले से जानता था। अब सवाल है कि मुस्लिम होते हुए भी साहिल कलावा क्यों पहनता था? रुद्राक्ष की माला पहने फोटो साहिल इंस्टाग्राम पर क्यों डालता था? दुनिया के सामने साहिल खुद को हिंदू लड़के की तरह क्यों पेश करता था? क्या इसके पीछे उसका कोई मकसद छिपा था? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच शुरू कर दी है, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी शामिल है। मतलब पुलिस भी ये मान रही है कि इसमें लव जिहाद का एंगल छिपा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद लड़की के एक दोस्त ने इसे लेकर बड़ा शक जाहिर किया था। दावा किया गया कि साहिल ने लड़की से दोस्ती के दौरान अपनी पहचान छिपाई। वो लड़का अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, पर वो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का ही का है। वो लड़का सौंफ के दिखाता था, वो इनमें रुद्राक्ष की माला भी डालता था, वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है। क्राइम की कहानी का एक पहलू है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाकर लड़की से दोस्ती की और बाद में उसकी हत्या कर दी, लेकिन उसके इंस्टाग्राम से आए एक वीडियो ने उसकी मंशा पर दूसरा सवाल खड़ा कर दिया है। उसने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ये दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। मतलब उसके जहन में आतंक की कोई साजिश चल रही थी, और 28 मई को दुनिया ने उसके खौफनाक इरादों की वानगी भी देखी, जब उसने दिल्ली में सरेआम एक नाबालिग लड़की को चाकू से गोद कर मार डाला। जो लव जिहाद की बीमारियां शुरू हो गई हैं और उसके अंदर कत्लेआम किया जा रहा है, सरेआम मारा जा रहा है, और अभी तक भी लड़के के परिवार के लोगों ने कोई इसके ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया, या किसी मौलाना ने या इस धर्म के बड़े लोगों ने कोई ऐसा दुख जाहिर नहीं किया कि हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, हम इसके खिलाफ बोलते हैं। ये बड़ी दुखदायी बात है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। तो क्या सच में सनकिस साहिल के दिमाग में ऐसी कोई साजिश चल रही थी? क्या उसने जानबूझकर नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब लड़की उसके खौफनाक इरादे को भाप गई तो उसने उसका कत्ल कर दिया? हमेशा पहचान बदल के, रूप बदल के, और लड़कियों को अपने झांसे में लेना और फिर प्रेम के जाल में उलझाना और फिर उनकी नृशंस हत्या कर देना, ये सारी चीज़ें मैं सुनने के बाद बहुत ही, मेरा मन बहुत परेशान है, विचलित है। क्योंकि लड़की की हत्या के बाद साहिल के सोशल मीडिया के कई चैट सामने आए, जिसको लेकर दावा किया गया है कि साहिल की कई लड़कियों से दोस्ती थी और ये बात उसके नाबालिग दोस्त को पता चल गई थी, जिसके बाद से वो साहिल से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जब साहिल ने देखा कि उसकी नाबालिग दोस्त उससे अलग हो रही है तो उसने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। जिस तरह से साहिल ने रात को सरेआम राजधानी दिल्ली के अंदर दर्जनों चाकुओं से, मोटे मोटे पत्थरों से और लातों से इस नाबालिग बेटी को नरसंस तरीके से मारा, उसने संपूर्ण देश को हिला के रख दिया। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी और उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार साहिल पूरी तरह फंस गया है, लेकिन जिस हैवानियत से उसने लड़की की हत्या की उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं। चलिए आपको इस वक्त हम बताते हैं और दिखाते हैं कि वारदात को अंजाम देने और गिरफ्तारी के बीच के 18 घंटे तक साहिल कहां कहां रहा और उसने क्या कुछ किया, ये हम आपको एक एक करके 18 घंटे का पूरा उसका रोड मैप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले शाहबाद डेयरी दिल्ली लड़की की हत्या करता है वो, कल की ये घटना होती है, और इस जिसने भी वो तस्वीरें देखी हर किसी की रूह कांप गई। और उसके बाद रिठाला दिल्ली, दिल्ली का ये एक इलाका जहां पे वो जिस चाकू का इस्तेमाल किया उसको छिपाने के लिए, यानी हथियार छिपाने के लिए इस लोकेशन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो वहां पर हथियार को फेंकता है, फिर वो चला जाता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर अपनी बुआ के घर पर, और यहीं से आरोपी गिरफ्तार होता है, जिसके बाद वो कई चौंकाने वाले खुलासे भी करता है। बुलंदशहर में वो जाता है और उसके बाद वो वहीं पर रात गुजारता है, सोता है, अच्छी नींद लेता है, ये उसकी बुआ के परिवार की तरफ से बताया गया।
मेरे ठीक पीछे आप घर देख रहे हैं, इसी घर में इस बच्ची ने जन्म लिया था और जब उसकी किलकारियां गूंजी थी तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। दरअसल जिस दिन ये कत्ल हुआ है यानी कि 28 मई रात 9 बजे रविवार को, उसी दिन मां से बिटिया रानी ने बात की थी ठीक 1:30 बजे और बातचीत में ये कहा था कि माँ मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे सारे सपने पूरे करूंगा। न सिर्फ इतना बल्कि जब न्यूज 18 ने मृतका की माँ से बातचीत की तो वहाँ ये भी खुलासा हुआ है कि उन्हें साहिल के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं थी। सुनिए जरा क्या कुछ मृतका की माँ का कहना है। को पागल हो गई, सिर्फ ये सुना तो कोई कोई कहने लगा साहिल नाम का लड़का मारा, यही मैं वहाँ जानी थाने में, उससे पहले कुछ नहीं। बिटिया का शरीर देखा क्या आपने? मुझे नहीं सर दिखी, मैं देख ही नहीं सकती थी, ऐसे उल्टी हुई। अच्छा, फिर आखिरी बार आपने उसी दिन 1:30 बजे बिटिया से बातचीत की? हाँ, 1:30 बजे अच्छे से बात करी, मम्मी मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी, मैं वकील बन के दिखाऊंगी, वकील बनूंगी मैं आगे पढ़ाई करके। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मम्मी तू बहुत कष्ट में रहती है, मैं तू बहुत गरीब है, मैं तेरे को पढ़ लिख के तेरी बहुत मदद करूंगी, इतनी बात मेरे से मेरी लड़की बात। अपने सपने पूरे करके आपका नाम रोशन करना चाहती थी बिटिया? हाँ मैम, कहती थी मैं बेटा बन के, बेटी नहीं बेटा बन के दिखाऊंगी, वो बेटा बन के आज दिखा दी मेरी, सिर्फ दुनिया छोड़ के चली गई। वो बेटी जो सपने पूरा करने चाहती थी लेकिन इस आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और न सिर्फ मौत के घाट उतारा, उसे एक ऐसी मौत दी जो आज पूरा देश देख रहा है, आज पूरा देश उसे देखकर, उस तस्वीर को देखकर रो रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जानकारी ये मिली है कि जिस वक्त उस आरोपी साहिल ने उस लड़की को चाकू से गोद कर रख दिया, उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था, ये जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जलन जेलसी की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जरूर बरामद कर लिया है लेकिन अभी भी जो सिम कार्ड है वो पुलिस के हाथ नहीं लग सका है, यानी कि आप सोचिए कितना शातिर अपराधी था, और इस शातिर अपराधी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा ये अभी भी मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और यही खंगालने की पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस मानसिक प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था, वो शख्स था, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी देखकर ये समझा जा सकता है कि वो आदतन अपराधी जरूर रहा होगा। अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जानकारी अब ये है कि सर पर खून तो सवार था ही लेकिन नशे में भी वो उस वक्त धुत था, अभी न जाने कितने ऐसे काले कारनामे उसके होंगे, करतूत ऐसी होंगी जो उसने अपने जीवन में की होगी, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलकर सबके सामने आ जाएगा। अमित जी, परत दर परत पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन यहाँ पर बवाना थाने की दूसरी ओर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर हमने पुलिस वालों से बात की, रात भर ये थाने में था आरोपी, पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, इतना जघन्य हत्याकांड उसने अंजाम दिया लेकिन उसे उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पहली चीज। दूसरी, जो भी सामान्य दिनचर्या थी वह उसने अपनाई, यानी कि उसके लिए एक नॉर्मल चीजें थी ये सारी चीजें करना, और तीसरा उसने बहुत पहले से सोच रखा था कि इस हत्याकांड को अंजाम देना था, सही समय और सही वक्त वो ढूंढ रहा था और इसी के तहत उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। तो ये तीन चीजें पुलिस के सामने यहाँ पर साफ है, अब पुलिस उन कड़ियों को जोड़ रही है, कौन कौन लोग उन लोगों ने उसका साथ दिया, मोबाइल कहाँ से लिया, हथियार कहाँ से लिया, इन कड़ियों को जोड़ने का काम चला, और संभवतः जब परसों एक बार फिर अदालत के सामने उसको पेश किया जाएगा, कई अहम राज और होंगे जिनका। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो कड़ियां हैं उनमें से लव जिहाद भी एक कड़ी है। अमित, आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन देखिए लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन इस बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के शाहबाद इलाके में जिस तरीके से इस बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई, इस बहन की निर्मम हत्या कर दी गई, उनका खून खौल उठा है, क्योंकि वो साफ तौर पर यही कहते हुए दिखाई दिए कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं विवादास्पद बयान देता हूँ, मैं ऐसे देता हूं जो कि भड़काऊ होते हैं, लेकिन उन्होंने सवाल यह भी पूछा है कि किसी बहन की अगर इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए तो बताइए आखिर किसी भाई का खून क्यों नहीं खौलेगा, और इसीलिए आज इस बेटी की निर्मम हत्या कर देने के बाद मेरा खून भी खौल उठा है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खौले, और इसको देखकर खून ना खौले तो जीते जी चुका है।
इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हमारे जीवन में अभी हम बालाघाट मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक बहन आती है जो मुसलमान धर्म से, उसने हमसे कहा कि हम सनातन को स्वीकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, डियर माय सिस्टर, मेरी बहन, आपको धर्म नहीं मिलेगा, आप उसी धर्म में रहिए, बस हमारे सनातन को विचार करें।